है ये, कालचक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाव है, जन्म से किसी के सर वंश की छांव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जाके ये विधि का विधान है, बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है मान अभिशेष है, उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी कुछ मांग मत भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है जो छीन के बता मुझे, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है, तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है न खानदान काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही है आपको जो आपका हक दिलाता है, सिर्फ ज्ञान ही है आपको जो आपका हक दिलाता है। एक ऐसी शख्सियत को जो कि MITS के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य हैं, ये उस क्लास को बिलोंग करते हैं जो कि लगभग सभी का सपना होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। किसी बच्चे से पूछो बड़े होके क्या बनोगे, कलेक्टर। किसी पिता से पूछो बड़े होके अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे, कलेक्टर। तो बस मैं यही कहूंगा कि सर आप DOG के सदस्य हैं, ये आपके लिए उतने गर्व की बात नहीं है बल्कि संस्थान के लिए गर्व की बात है, यह मान संस्थान का है। आदरणीय श्री प्रशांत मेहता जी, से मैं मानता हूं कि मनीष दीक्षित जी यहाँ रहने के बजाय बाहर कहीं रहे, बाबा रामदेव इनके बाद भाषण देने आना तो वैसे भी मुश्किल काम है, पर कोशिश करते। रमेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी इंडियन क्रिश्चियन सोसाइटी, आप सबके बिग बॉस डायरेक्टर साहब, पंडे साहब, उनके उस साइड में उनकी बॉस फैकल्टी स्टाफ, और सबसे पहले इस जोश और एंथुसियाज्म वाले बच्चे, कहीं देख रहा था मैं कि ये जो फर्स्ट ईयर वाला जो जोश होता है कॉलेज का, इसका कोई मुकाबला नहीं होता, ये जोश, ये एंथुसियाज्म, इतने बाल, इतने ब्लड ब्रेन सेल्स कभी नहीं रहेंगे दोबारा जितने हैं। तो आप लोग को भाषण सुनना है, अभी है वो भाषण सुनने का, छोटा लंबा दो लिख के लाया हूं मैं, कौन सा भाषणों पे ख्याल आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली तो रोज शाम को कहीं ना कहीं लेक्चर के लिए और फिजिक्स सोसाइटी ये सोसाइटी रोज वो और उनका ड्राइवर दोनों जाते थे और वो लेक्चर देते थे। जब 150 लेक्चर हो गए तो ड्राइवर ने कहा कि सर आप बोर नहीं हो जाते, वही लेक्चर शुरू से आखिर तक वर्ड टू वर्ड वही हो गया, मुझे भी याद हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, याद हो गया तुमको, आज शाम को जो भाषण है वो मेरी जगह तुम देना हो, मेरे कोई पहचानता तो है नहीं, ऐसी जगह जा रहे हैं यहाँ कोई नहीं पहचानता, तो ये भाषण तुम मेरी जगह दे देना। तो आइंस्टाइन साहब वहाँ चुपचाप पीछे बैठ गए और ड्राइवर साहब मंच पे आ गए, बोलिया हमने वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा, उनको याद कंठस्थ याद था वैसा का वैसा हमने भाषण दे दिया। अब मुश्किल तब आई जब ऑर्गेनाइजर थे वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा एनी क्वेश्चंस, ऑडियंस से खड़े होकर पूछा सर वो जो E2mc2 जो आपने बनाया उसका थोड़ा सा एलिबरेट। अब ड्राइवर साहब तो फिर एक मिनट को चक्कर में रहे, फिर बोले कि इतने आसान सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय माय ड्राइवर। बेचारे आइंस्टाइन को खड़े होकर सर जवाब देवा दिया।
ये हश्र होता है। आप थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक ग्लोरियस पास्ट में आए। ये इंस्टीट्यूट है सिंग्यास की थिंकिंग का, उनके डेवलपमेंट थिंकिंग का। जब राजा महाराजे उस जमाने में केवल अपना एरिया बढ़ाने में और अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में विश्वास रखते थे, तब सिंधिया घराना डेवलपमेंट वर्क करता था। तब उन्होंने रेलवे लाइंस बनाई, डैम्स बनाए, टैंक्स बनाए और इंस्टीट्यूशंस बनाए। ऐसी मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी पूरे आप हिस्ट्री जो जिन्होंने पढ़ी होगी। वेरी फ्यू रूलर्स हैव दिस टेंडेंसी। उस ग्लोरियस पास्ट में आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए। बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी गर्ल्स हैं और गर्ल्स के मोटिवेशन के लिए बता दूं, इसी हॉल में अभी कुछ महीने पहले 3 साल की गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी। बॉयज निराश ना हो, 70 गोल्ड मेडल्स दिए गए वेरियस फील्ड्स में, 54 ऑफ दोज मेडल्स वर टेकन बाय गर्ल्स। सबको वेलकम, इधर एक साथ ही बैठे हैं सबके सब। तो ये ट्रेडिशन मेंटेन करिए, बॉयज को वेट करते रहिएगा गोल्ड मेडल। आप लोग ऑनेस्टली बताइए, कितने लोग आईआईटी जाना चाहते थे, आईआईटी चले जाएं, बिट्स पिलाने चले जाएं, कम उठा रहे हैं ना? आप सच्ची लिया। अब आपको बता दूं, बहुत अच्छा हुआ आप आईआईटी नहीं गए, आप यहाँ पे आ गए। आईआईटी में मिलेगा आपको नाम, मिलेगा आईआईटी का और मिलेगा, यहाँ आपको एक फैमिली का एटमॉस्फेयर मिलेगा। और इनके ऊपर, सब स्टाफ के ऊपर मैं बोझा डाल रहा हूँ, बिल्कुल फैमिली जैसे ही यहाँ आपको रखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप घर से दूर आके यहाँ रह रहे हैं। जो हॉस्टल्स में रहेंगे आपको अपने बच्चों जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे मुझे दिख रहा है माहौल यहाँ पे। दिक्कतें होती है, वो कहानी सुनी है आपने बटरफ्लाई वाली, बटरफ्लाई कैटरपिलर से कोकून बन के उसमें से बटरफ्लाई निकलती है तो किसी को बहुत पसंद थी बटरफ्लाई, तो वो कोकून रख के उसको देख रहा था कैसे बटरफ्लाई उसमें से निकलती है। जब वो कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई में बन रहा था, वो कोकून इतना सा फटा उसमें से निकलने की कोशिश, वो फड़फड़ा के निकलने की कोशिश कर रहा था। इनने आगे बढ़ के उसको कहा कि इसको निकाल देते हैं बनी फड़फड़ा में, तो वो कोकून खोल गया, आराम से वो बटरफ्लाई बाहर आ गई। आप लोग देखते रहे इसको कि अभी उड़ेगी, अभी उड़ेगी बटरफ्लाई, उड़ेगी उड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई हेल्प नहीं की उसकी, जो परेशानी में थी वो कोकून से निकलना वो एक नेचुरल प्रोसेस था। विंग्स में ताकत लाने के लिए, उसके मसल्स डेवलप होने के लिए उसको थ्री वीक्स टू फोर वीक्स कोशिश करके अपने दम पे वो कोकून को फाड़ के बाहर निकलना पड़ता है। और तब जब वो अपने दम पे निकलती है तब उसमें वो स्ट्रेंथ आती है कि बटरफ्लाई हो जाए इतनी दूर की। तो आसान मत मानना, ये जो 4 वीक्स बटरफ्लाई के हैं वो 4 इयर्स आपके ऊपर लागू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कैटरपिलर हो, बट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनके यहाँ से उड़ने के लिए आपको कष्ट भी होंगे, दिक्कत भी आएगी, परेशानी भी आएगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर याद रखना, बिना मेहनत के एक सक्सेस का फ्लोर बना हुआ है बिल्डिंग में, दुनिया की बिल्डिंग में एक सक्सेस का फ्लोर है, पर वहां लिफ्ट नहीं जाती, पहले चल के सीढ़ी पे वहां तक जाना पड़ेगा। और सक्सेस का लैडर क्लाइंब करने के लिए दोनों हाथ जेब में रख के क्लाइंब नहीं कर सकते, यू हैव टू होल्ड ऑन टू। ये जैसे डायक साहब ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग सब डाइवर्स बैकग्राउंड से यहां पे आए हैं, एक बहुत हैप्पी
ग्रुप बनके कोई कंप्लीटली सेक्युलर अपना माइंड रख के, कोई जाति धर्म रंग भेद कोई आपस में ये डिफरेंशिएशन ना रखें. ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल सिटीजंस ऑफ इंडिया और इंडिया को स्ट्रांग करना है. और हाँ, आईआईटी की ये बात बता रहा था मैं, आईआईटी के पास आउट होके क्या कर रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी चला रहे हैं. एमआईटीएस के ग्रेजुएट क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं होगा. हिंदुस्तान की लाइफ लाइन क्या है, इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे कौन चलाता है, 40 डीआरएम्स हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स पूरे कंट्री में 40 डीआरएम्स. इन 40 डीआरएम्स में 22 एमआईटीएस के ग्रेजुएट्स हैं. हम गर्व से कह सकते हैं कि देश को एमआईटीएस चला रहा है आज तक. अभी मैंने टीपीसी की मीटिंग लिया था, डायरेक्टर ऑपरेशन, जितने 60% ऑफ इंडिया का जो पावर प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टर ऑपरेशन के शर्मा एमआईटीएस के प्रोडक्ट है. उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ का हूँ. खूब एंजॉय करिए, फ्रेंड्स बनाइए. कहीं मैं पढ़ रहा था फ्रेंड्स की डेफिनेशन क्या है, फ्रेंड्स वो हैं जो आपके साथ पड़े हुए हैं. बाकी लाइफ में जितने भी आपके बनेंगे वो सब अक्वेंटेंस बनेंगे, वो पहचान वाले बनेंगे. दोस्त वो होंगे जो आपके साथ पड़ा हुआ है. इस डेफिनेशन को ख्याल रखिए. और लास्ट में एक स्टोरी से एंड करूंगा मैं. W.W. Somerset मॉम की स्टोरी है द वर्जन. कभी मौका लगे लाइब्रेरी में वो किताब तो लेके पढ़िएगा. द वर्जन कहानी है, वर्जन होता है एक जो चर्च में आपने देखा होगा संडे से संडे वो बेल बजती है बड़ी वाली बेल, उसको जो रस्सी से खींचता है वो होता है वर्जन. तो 20-25 साल से वर्जन घंटी बजा रहे थे चर्च की. एक दिन नई कमेटी इलेक्ट होके आ गई, नए डायरेक्टर बन गए, नए चेयरमैन साहब ने मीटिंग की. उन्होंने कहा कि साहब जरा क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जितने लोग हमारे चर्च में काम करें सबकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए. उन्होंने कहा ठीक है, स्कूल पास होना चाहिए. अब सबको बुलाया गया, इनको वर्जन को बुलाया गया, घंटी बजाते थे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं. बोले साहब मैं पढ़ा नहीं. हमारे तो रूल बन गया है आपको स्कूल पास होना पड़ेगा, नहीं तो आपको मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं तो जिंदगी भर से वो घंटी बजा रहा हूँ, मेरे से अच्छी कोई घंटी नहीं बजा सकता. बोले सॉरी, अब यहाँ तो 12th पास का रूल बन गया है, आपको नौकरी से निकलना. अब सोचो वो नौकरी से वो कह रहा है मैं कुछ जानता नहीं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मैं आगे क्या करूँगा लाइफ. इतना डिसअपॉइंटिंग डार्क लाइफ उसके सामने कि मैं क्या करूं. जैसे बाहर निकला, हालांकि ये उस जमाने में कोटेड है, आजकल इसके ऊपर पाबंदी है. बाहर निकल के उसको जब एक्सट्रीम डिप्रेशन में था तो उसको स्मोक करने की इच्छा हुई. उसने कहा, चारों तरफ देखा चर्च के पास, उसने कहा कि कहीं सिगरेट मिल नहीं रही. चला 1 किलोमीटर आगे, कोई सिगरेट नहीं. 2 किलोमीटर आगे, सिगरेट नहीं. भाई परेशान, बहुत दूर जाके उसको सिगरेट मिली. उसने कहा घंटी का नौकरी तो गई, ऐसे चर्च में लोग बड़े परेशान होकर आते होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, चर्च के बाहर एक छोटी सी कियोस्क लगा देता हूँ जिसमें सिगरेट बेचा करूँगा जो परेशान है. पहले दिन से चलने लगी, खूब सिगरेट बिकी. फिर उसने 2 किलोमीटर पर दूसरी दुकान बनाई, फिर तीसरी दुकान बनाई. 3 साल के अंदर वो पूरा मलेशिया का बिगेस्ट सिगरेट डीलर हो गया. 3 ईयर्स वर्जन में घंटी बजाता. अब जब पैसे हो जाए तो बैंक वाले चक्कर लगाते हैं, पहले कहते हैं लोन ले लीजिए, फिर कहते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट करिए पैसे. तो इनके पास बैंक मैनेजर अपने टाइम में लगा के पूछे कि सर थोड़ा डिपॉजिट. मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बोरी बोरी में बंद करके रखे हुए पैसे, मैं आता हूँ बैंक में. आपको बड़े बोली से इतने बड़े आदमी के लिए आपको बैंक आने की जरूरत नहीं, बैंक आपके घर आएगा. आप तो हमारी टीम आएगी, आप तो बस फॉर्म भरना, तो बोले नहीं कुछ नहीं भरना, हम सब भर देंगे आपका, आप तो बस यहाँ साइन कर दीजिए. साइन करना आता होता तो अभी
स्टोरी इज चाहे जितना डार्कनेस हो, चाहे जितनी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे जितना एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दिखे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लेना कि एक सिल्वर लाइनिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है कि इस पोजीशन से भी बेहतर करने की सिचुएशन आपके सामने रहेगी। इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, बेस्ट विशेस के साथ। खूब एंजॉय करिए अपना स्टे यहाँ पे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आप आए हैं। पेरेंट्स भी आपके शायद सुन रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने बच्चों को यहाँ भेजा, और पूरी टीम जो MITS की है आपको लुक आफ्टर करेगी, अपने घर जैसे ट्रीट करेगी, और आप बढ़िया यहाँ पे बैकबोन हिंदुस्तान की बनके यहाँ से निकले, ऐसी शुभकामनाएं।